बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। क्या क़यामत के दिन तुम मेरा बोझ उठाओगे? दिन का उजाला ख़त्म हुआ तो रात का अंधेरा छाने लगा। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने नींद को दूर किया और लोगों के हालात जानने के लिए निकल पड़े। दरें असना के आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जा रहे थे कि आपके कान में बच्चों के रोने की आवाज़ पड़ी। जब इस आवाज़ के करीब हुए तो देखा कि एक औरत अपने घर के अंदर बैठी है और उसके इर्द गिर्द बच्चे हैं जो चीख चिल्ला रहे हैं और पानी की भरी एक हांडी चूल्हे पर चढ़ा रखी है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा दरवाज़े के करीब गए और पूछा, ऐ खुदा की बंदी, ये बच्चे क्यों रो रहे हैं? उसने कहा कि भूख के मारे रो रहे हैं। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने कहा, यह हांडी कैसी है जो चूल्हे पर चढ़ाई हुई है? इस औरत ने कहा कि मैंने इन बच्चों को बहलाने के लिए पानी रखा हुआ है ताकि ये किसी तरह सो जाएं और ये समझे कि इस हांडी में खाने की कोई चीज़ है जो पक रही है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को बहुत दुख पहुँचा। फौरन दारुल सदका माल सदाकत का गोदाम गए और एक बड़ा थैला लिया। इसमें आटा, घी, चिकनाई, खजूरें, कपड़े और दराहिम भर कर डाले और अपने ग़ुलाम असलम से कहा कि ए असलम, मुझे ये सब कुछ उठवा दो। असलम ने कहा, ए अमीरुल मोमिनीन, आपकी तरफ से मैं उठाए देता हूँ। हज़रत उमर ने तेज़ लहजे में असलम से कहा कि ए असलम, तेरा नास हो, क्या तुम क़यामत के दिन मेरा बोझ उठा सकोगे? असलम खामोश हो गए और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को सामान उठवाया। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा वो सामान लेकर इस औरत के घर गए। वहाँ पहुँच कर हांडी ली और उसमें आटा और चिकनाई और खजूरें डाली और अपने हाथ से हिलाने लगे। हांडी के नीचे फूंकते रहे के धुआं आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की दाढ़ी के अंदर निकल रहा था, हत्ता के उनके लिए खाना तैयार हो गया। फिर अपने हाथ से निकाल निकाल कर उन बच्चों को खिलाते रहे यहाँ तक कि उनका पेट भर गया। फिर बाहर आए और शेर की तरह जम कर बैठ गए। आप इसी हाल में रहे हत्ता कि वो बच्चे खुशी से उछलने लगे। फिर आप रज़ी अल्लाह अन्हा उठे और अपने ग़ुलाम असलम से कहा, क्या तुम जानते हो कि मैं क्यों बैठ गया था? असलम ने कहा कि नहीं हज़रत। उमर रज़ी अल्लाह अन्हा ने फरमाया कि मैंने इन बच्चों को रोते हुए देखा तो मुझे ये बात अच्छी न लगी, उनको वैसे ही छोड़कर चला जाऊँ यहाँ तक कि उनको हंसता हुआ देखूं। जब मैंने उनको हंसते हुए देखा तो मेरा दिल खुश हो गया।